नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं कुमार अभिषेक। हमारे खास कार्यक्रम आज का यूपी में आज बात होगी उन तमाम अहम खबरों की जिससे आपका सरोकार है। तो सबसे पहले बात बुलंदशहर की। बुलंदशहर में एक दुर्घटना में सुदीक्षा भाटी नाम की एक लड़की की मौत से बवाल खड़ा हो गया। दरअसल परिवार का यह आरोप था कि जब सुदीक्षा भाटी अपने चाचा और भाई के साथ अपने मामा के घर जा रही थी, तभी रास्ते में शोहदों और मनचलों ने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, जिससे इनकी बाइक उन मनचलों के बुलेट से टकराई और उसके बाद वहीं पर गिरकर सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई। मनचलों और शोहदों के इस कृत्य के सामने आने के बाद से ही यूपी प्रशासन में हंगामा मच गया। आखिरकार रोमियो स्क्वाड रखने वाले इस प्रदेश में ऐसा कैसे हो गया कि एक लड़की जो कि अमेरिका के बॉस्टन में एमबीए की पढ़ाई कर रही थी, छुट्टियों में अपने घर आई थी और आज जब वो अपने मामा के घर जा रही थी, तब उसके साथ शोहदों ने ऐसी छेड़खानी की कि एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। इसके बाद से जांच भी शुरू हो गई। परिवार का कहना है कि बाइक उसके चाचा चला रहे थे और उस बाइक पर सुदीक्षा पीछे बैठी थी। जैसे ही यह बात खुलकर सामने आई, पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जांच शुरू की गई और तब प्रशासन की तरफ से और खासकर बुलंदशहर डीएम और बुलंदशहर एसपी ने यह बात कहा कि यह गाड़ी उनका चाचा नहीं बल्कि उसका भाई चला रहा था जो कि नाबालिग था। हालांकि सुदीक्षा भाटी का परिवार अपने बात पर कायम है कि मनचलों और शोहदों की वजह से इस गाड़ी का बैलेंस गड़बड़ाया और इस गाड़ी ने शोहदों के उस बुलेट को धक्का मारा जिसके बाद वो गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। प्रशासन जांच की बात कह रहा है कि इस बात की तहकीकात की जा रही है कि क्या बुलेट सवार ने कोई छेड़खानी की थी या नहीं। पास के एक दुकान से एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जिसे पुलिस ने रिकवर किया है और यह माना जा रहा है कि हो सकता है कि यह सीसीटीवी उन शोहदों का हो, लेकिन प्रशासन को इसमें पेच दिखाई दे रहा है। बुलंदशहर प्रशासन यानी डीएम और एसपी के मुताबिक यह एक एक्सीडेंट का केस लग रहा है और इसमें उसके चाचा बाइक नहीं चला रहे थे बल्कि उसका नाबालिग भाई बाइक चला रहा था। और चूंकि बाइक नाबालिग चला रहा था इसलिए उस पर केस ना हो जाए, इसलिए यह कहानी घड़ी गई, ऐसा प्रशासन का दावा है। जबकि सुदीक्षा भाटी का परिवार इस बात पर अड़ा है कि तीनों लोग उस बाइक पर सवार थे, तीनों औरंगाबाद इलाके में जा रहे थे जहां से स्कूल का सर्टिफिकेट निकालना था। एक बात और सुदीक्षा भाटी के बारे में बता दें कि यह लड़की गरीब परिवार से थी, इसने गांव के स्कूल में पढ़ाई की थी लेकिन पढ़ाई में अव्वल होने की वजह से इसे बड़ी कंपनियों के स्कॉलरशिप मिले थे और तकरीबन 3.8 करोड़ यानी 3 करोड़ 80 लाख के खर्चे पर कंपनियों ने इसे अमेरिका के बॉस्टन में एमबीए की पढ़ाई करने भेजा था। जैसे ही यह बात सामने आई कि शोहदों और मनचलों की वजह से एक्सीडेंट हुआ है और इस एक्सीडेंट में इस होनहार लड़की का जीवन खत्म हो गया, उसके बाद से सरकार भी हरकत में आई है। हालांकि अभी भी इस बात पर बहस चल रही है और जांच चल रही है कि क्या यह महज एक्सीडेंट है या फिर इसके पीछे शोहदों और मनचलों की शरारत है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और सुदीक्षा भाटी की मौत हुई। जांच में अगर यह बात सही निकल कर आती है कि उन्होंने इसके साथ छेड़खानी की है तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। अब हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और यह भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत से है। बागपत के बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की आज अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। संजय खोखर आज सुबह जब अपने खेत में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे तभी अपराधियों ने घेर कर उन पर गोली चलाई। उन्हें 3 गोली लगी और वो अपने खेत में ही ढेर हो गए। 2014 से 2017 तक संजय खोखर बागपत में बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे हैं और उनकी तमाम तस्वीरें बड़े नेताओं के साथ भी हैं। बता दें कि पुलिस इस घटना के पीछे
आम आपसी रंजिश को भी देख रही है और योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि अगले 24 घंटे के भीतर इस पूरे मामले का खुलासा किया जाना चाहिए। डीजीपी दफ्तर ने भी ट्वीट कर इस पर जल्द कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन निश्चित तौर पर इस घटना ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। हमारी ये खबर वाराणसी से है। दरअसल सरकार ने सबसे पहले एक वीडियो डाला और उस वीडियो में यह दिखाया गया कि वाराणसी के सीओ एक इलाके में जाकर एक फल वाले को न सिर्फ हर्जाना देते हैं बल्कि उससे माफी भी मांगते हैं और उसे बताते भी हैं कि एक पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। लेकिन यह पूरी कहानी एक दिन और पहले की है, जब वाराणसी के शिवपुर इलाके के शिवपुर थाने के एक दरोगा ने सड़क पर लगे एक फल वाले के ठेले के तमाम फल को फेंकना शुरू कर दिया था। वो अकेला ठेले के पास खड़ा रहा और उसने एक एक कर पूरे ठेले के फल फेंक डाले और ठेला पलट दिया। यह मामला सामने नहीं आता अगर उस इलाके के सीसीटीवी में ये चीजें कैद नहीं हुई होती और ये वीडियो वायरल न हुआ होता। शिवपुर थाने के पास लगे एक सीसीटीवी ने इसे कैद किया, जिसमें शिवपुर थाने के दरोगा को उस फल वाले के ठेले को पलटते दिखाया गया है। और जैसे ही यह वायरल हुआ, सरकार जागी, उन्होंने सबसे पहले वरुण शाही नाम के उस दरोगा को सस्पेंड किया और अपने सीनियर अधिकारी को उस फल वाले के पास भेजा ताकि उसका हर्जाना दिया जा सके और उससे माफी मांगी जा सके। हालांकि पहले वीडियो के वायरल होते ही सरकार की किरकिरी होनी शुरू हो गई थी और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया तब जाकर सीनियर अधिकारियों ने इसे न सिर्फ हर्जाने का पैसा दिया बल्कि खेद भी जताया। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज को, जो कि उन्नाव से सांसद हैं और फायर ब्रांड हिंदुवादी नेता माने जाते हैं, उन्हें पाकिस्तान से एक कॉल आई और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बारे में सदर कोतवाली में साक्षी महाराज ने FIR दर्ज कराई है कि मंदिर मामले पर खुलकर बोलने की वजह से उन्हें पाकिस्तान से यह धमकी मिल रही थी। दो दिन पहले यह व्हाट्सएप पर यह धमकी भरा कॉल आया और उसके बाद साक्षी महाराज ने बकायदा इसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। कोरोना के फ्रंट पर योगी सरकार के लिए आज एक राहत भरी खबर आई। योगी सरकार के 3 मंत्री जो कोरोना पॉजिटिव हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। ब्रजेश पाठक, जिन्हें ICU में शिफ्ट किया गया था, उन्हें वापस आइसोलेशन वार्ड में लाया गया है क्योंकि उनकी हालत बेहतर है। दूसरी तरफ महेंद्र सिंह बीमार थे, कोरोना से पीड़ित थे और वो भी PGI में एडमिट हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य में भी काफी सुधार बताया जा रहा है। चेतन चौहान पिछले कई दिनों से PGI में भर्ती हैं, सूत्रों के मुताबिक उनके हालत भी अब काफी बेहतर बताए जा रहे हैं। हम चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। दिल्ली की तर्ज पर अब लखनऊ में भी आपको इलेक्ट्रिक बसें दिखाई देंगी। सरकार ने 100 इलेक्ट्रिक बस लखनऊ की 8 रूटों पर चलाने का फैसला किया है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण बल्कि ट्रैफिक की व्यवस्था में भी कुछ सुधार दिखाई देगा। लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है। तो ये था हमारा कार्यक्रम आज का यूपी। आप देखते रहिए यूपी तक।